हेलो व्यूअर्स, इससे पूर्व के वीडियो में हम बात कर चुके हैं अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे तैयार किया जाता है उसके विभिन्न चरणों के बारे में। हमने देखा था कि हमें अपना वांछित जीन हम ऑब्टेन करते हैं और उसके बाद हम उसको एक वाहक में इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर में। यह कार्य विभिन्न एंजाइम्स की सहायता से होता है और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वाहक में, क्लोनिंग वाहक में इंट्रोड्यूस करके, लाइगेट करके या जोड़ करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की अनेक प्रतियां बनाने के लिए हम इसको बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं और इन बैक्टीरियल कोशिकाओं को हम पहचानते हैं, वो बैक्टीरियल कोशिका जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उपस्थित है विद द हेल्प ऑफ मार्कर या रिपोर्टर जीन्स। और तत्पश्चात डिफरेंट जो हमारे जीन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं उनको हम जीन लाइब्रेरीज या अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज के रूप में मेंटेन करते हैं और इन जीन्स के उपयोग से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने की विधि है उसमें हमको बेसिकली वाहक चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर्स, और उसमें के बाद एंजाइम्स चाहिए, अप्रोप्रिएट होस्ट सेल अर्थात बैक्टीरियल सेल्स चाहिए जिनको पहचानने के लिए मार्कर और रिपोर्टर जीन्स चाहिए और इनको मेंटेन किया जाता है जीनोमिक लाइब्रेरीज के रूप में। तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम इन्हीं टूल्स की बात करेंगे जो हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक हेतु चाहिए। इस वीडियो में हम सर्वप्रथम बात कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के क्लोनिंग वेक्टर्स की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त जो क्लोनिंग वाहक है या क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, उनके कुछ बेसिक लक्षणों की आवश्यकता होती है, उनमें उनके कुछ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। सर्वप्रथम उनका जो साइज है वो कितने बेस पेयर लंबे हैं, यह निश्चित होना चाहिए और यह छोटा होना चाहिए ताकि हम उसको एक बैक्टीरियल कोशिका में प्रवेश करा सकें जहाँ पे हम उसके मल्टीपल कॉपीज प्राप्त कर सकते हैं जिसमें हम उसको मेंटेन कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द ओवरऑल साइज ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर ऑट टू बी अप्रोप्रिएट एंड दैट टू स्मॉल। इसके बाद उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए क्लोनिंग वेक्टर जो हमारा तैयार हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन या उसकी लाइफ बहुत कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उसको अपना रेप्लिका स्वयं बनाने की क्षमता होनी चाहिए, दैट मीन्स दे शुड हैव देयर ओन साइट ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर वेक्टर में ताकि उसकी कई प्रतियां प्राप्त हो सकें जब हम उसको बैक्टीरियल होस्ट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसके बाद। अब किस पर्टिकुलर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जब हम वेक्टर में जोड़ते हैं तो हमको वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस चाहिए जो किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा पहचानी जा सके। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रिकॉग्निशन साइट्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद उन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए जो उपयुक्त
रिकॉग्निशन साइट्स हैं, उनके साथ ही हमें इस प्रकार के जीन्स भी चाहिए इस क्लोनिंग वेक्टर में, जिसकी सहायता से हम इसको पहचान सके, हम उस बैक्टीरियल कोशिका को पहचान सके जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ वेक्टर प्रवेश कर रहा है। दैट मीन्स इट शुड हैव सम मार्कर जीन या रिपोर्टर जीन, जिसको हम आसानी से डिटेक्ट कर सके इन आ कल्चर प्लेट्स। ये जो हमारा वेक्टर है, ये जिस बैक्टीरियल कोशिका में है उसी में रहना चाहिए, उसी में इसको अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहिए। कॉन्जुगेशन के द्वारा अन्य बैक्टीरियल कॉलोनीज में इनका ट्रांसफर नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है फॉर अ प्रॉपर क्लोनिंग वेक्टर। और इसके बाद जब हम चाहें तो हमारे जो होस्ट बैक्टीरियल सेल है उससे हम इसको सहजता से प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारा वाहक वेक्टर है वह साइज में छोटा होना चाहिए, उसमें स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होनी चाहिए जिससे वो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस की सहायता से काटा जा सके, जिसकी सहायता से वह अपना रेप्लिकेशन कर सके, जिनके सहायता से उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस हुए बाद पहचाना जा सके। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से क्लोनिंग वेक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे ये बेसिक पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, दे आर द प्लाज्मिड वेक्टर्स। नाउ वी नो दैट प्लाज्मिड्स किसी भी जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले मेन जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड के अतिरिक्त सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनकी उपस्थिति बैक्टीरियल कोशिका में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दैट मीन्स दे प्रेजेंस इज नॉट इसेंशियल फॉर द बेसिक सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल है। और इन प्लाज्मिड्स को जब हम वेक्टर जैसे यूज करते हैं तो उस समय हमारे पास इसका बेसिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। हमें पता है प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में स्वयं को रेप्लिकेट करने में सक्षम है। इसके अलावा हम इस बैक्टीरियल सेल के जो बाकी के जीन्स हैं जो इसको कॉन्जुगेशन के लिए प्रेरित करते हैं या जो इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स वाले जीन्स होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया, उनको रिप्लेस कर देते हैं हमारे डिजायर्ड जीन्स से। और हमारे डिजायर्ड जीन्स हैं कोई सिलेक्शन मार्कर हो, डिजीज रेसिस्टेंस जीन है जैसे यहाँ पर, या हम कोई अन्य मार्कर या रिपोर्टर जीन भी इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मार्कर और रिपोर्टर जीन्स क्या होते हैं और इनके बारे में हम एक अन्य वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद इसमें आपके पॉली लिंकर सीक्वेंसेस होनी चाहिए। पॉली लिंकर सीक्वेंसेस मतलब बहुत से ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो विभिन्न रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा पहचानी जा सके, जिनकी सहायता से हम उस विशिष्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का प्रयोग कर सके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, जिसकी सहायता से हम होस्ट जीनोम में से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त कर रहे हैं। ये जो अपना रीजन है, ये जो भाग है प्लाज्मिड का जिसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें पॉली लिंकर सीक्वेंसेस होती हैं। ये देखिए, ये दो एग्जाम्पल हैं
ऑफ कॉमनली यूज प्लाज्मिड वेक्टर्स, ये पीबीआर 322। इसका जो साइज है दैट इज 4361 बेस पेयर, और इसमें दो मार्कर जीन्स हैं, एक एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस फैक्टर और एक टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रेजिस्टेंस इंड्यूस करता है उसका जीन। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न पॉलीलिंकर सीक्वेंसेस हैं, विभिन्न रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा पहचाई जाने योग्य रिकॉग्निशन साइट्स हैं। ये जो इको आर वन है, हाइंड थर्ड है, या बीएमएच फर्स्ट है, ये विभिन्न रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, और इनके अतिरिक्त ये हमारा ओरिजिन रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को निर्धारित करने वाले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी है। इसी प्रकार से जो दूसरा हम एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है वो है पीयूसी 18 वेक्टर का। इसमें भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, और इसके अतिरिक्त इसमें एक रिपोर्टर जीन लैक जेड जीन भी उपस्थित है, और इसमें जो पॉलीलिंकर सीक्वेंस है दैट इज विद इन दिस लैक जेड रीजन। इसके अतिरिक्त इसमें भी ओरी साइट है ताकि ये सेल्फ रेप्लिकेशन में सक्षम है। तो ये मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर होते हैं। इनको बैक्टीरियल कॉलोनी में जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस पे जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पॉलीलिंकर सीक्वेंस पे कट उत्पन्न करेंगे, निक उत्पन्न करेंगे और जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ देंगे, और तत्पश्चात इन वेक्टर्स की सहायता से हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैक्टीरियल कॉलोनी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं बाय द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मिड वेक्टर, उसको इंक्यूबेट करेंगे विद द बैक्टीरियल कॉलोनी, और वे कुछ बैक्टीरियल कोशिकाओं में प्रवेश कर जाएगा दिस नेकेड डीएनए दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा। जो सेकेंड प्रकार का क्लोनिंग वेक्टर प्रयुक्त होता है सामान्यतः वो है फेज वेक्टर। फेज या बैक्टीरियोफेज, हमें पता है कि वे वायरस पार्टिकल होते हैं जो किसी भी जीवाणु कोशिका को इन्फेक्ट करते हैं, एंड लाइक वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस फेज दैट इज द लेमडा फेज। इसमें प्रोटीन कोट है, डीएनए है, और यह सक्षम है किसी भी जीवाणु कोशिका में ट्रांसडक्शन द्वारा अपने डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो यदि हम इसके डीएनए में या इसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें अपना वांछित जीन इंट्रोड्यूस कर दें तो हम बैक्टीरियल कॉलोनी में सहजता से अपने डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे बाय मींस ऑफ ट्रांसडक्शन। जो फेज पार्टिकल होता है उसके जेनेटिक मटेरियल या जो जीनोम है उसका जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके कुछ विशिष्ट कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें भी साइट ऑफ ओरिजिन मतलब डीएनए रेप्लिकेशन पाई जाती है, अर्थात वो अपनी स्वयं के रेप्लिका बनाने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त उसमें वे साइट्स हैं जिनकी सहायता से वे अपने प्रोटीन कोट का निर्माण करता है। इसमें सेंट्रल जीन क्लस्टर है जिसको हम हटा सकते हैं
बिकॉज एक नोटेबल फीचर है फेज जीनोम का कि अधिकांश भाग इसका इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फेज पार्टिकल, किंतु ओवरऑल साइज ऑफ दिस जीनोम वह सेम होना चाहिए, अन्यथा इसका ये जो प्रोटीन पार्टिकल्स है, जो ये हेड और टेल की पैकेजिंग है, यह संभव नहीं होगी। तो इसका ये जो पार्ट है, जो सेंट्रल जीन क्लस्टर हम जिसको कह रहे हैं, विच इज नॉट ऑफ इमीडिएट इम्पोर्टेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस वायरल पार्टिकल, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं और यह जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसका साइज हमारे प्लाज्मिड में प्रयुक्त जीन के साइज से काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि प्लाज्मिड का साइज यदि बड़ा हो गया तो वह ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकेगा बैक्टीरियल कॉलोनी में, जबकि फेज पार्टिकल में इसको बड़ा करना पड़ेगा, अन्यथा यह फेज पार्टिकल के रूप में ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा। सो इन दिस वी कैन इंट्रोड्यूस आर जीन ऑफ इंटरेस्ट इस रिकॉम्बिनेशन साइट पर। इसके अतिरिक्त एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ दिस कॉस साइट। इसके दोनों सिरों पर अगर हम इसको फेज जीनोम को एक लीनियर सीक्वेंस के रूप में जब हम देखते हैं, तो इसके दोनों 5' एंड इट इज अ ओवरहैंग 12 से 14 बेस पेयर तक का सिंगल स्टैंडर्ड रीजन पाया जाता है इसके दोनों 5' सिरों पर, और ये दोनों सिरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे से स्टिक कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, और इस प्रकार से इनके हाइड्रोजन बंध बनने के कारण यह कॉस साइट उत्पन्न हो जाती है, और यह कॉस साइट पर जब ये जुड़ जाते हैं दोनों एंड बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, तो वी गेट अ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो बैक्टीरियल कोशिका में जुड़ सकता है। और सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ फेज वेक्टर इज कि इसमें हम थोड़ा बड़ा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इसकी प्रेजेंस ऑफ कॉस साइट। इसमें भी विभिन्न पॉलीलिंकर सीक्वेंसेस और अपना मार्कर जीन ये इंट्रोड्यूस करते हैं सेंट्रल जीन क्लस्टर रीजन में ही अलोंग विद आर जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्लोनिंग वाहकों की श्रृंखला में जो तीसरे वाहक की हम बात करेंगे वो है हमारे हाइब्रिड वेक्टर्स, अर्थात इन वाहकों को एक से अधिक प्रकार के वाहकों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, और इसके दो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कॉस्मिड और फेजमिड। कॉस्मिड में हम एक प्लाज्मिड वाहक लेते हैं और उसमें कॉस साइट जो बैक्टीरियोफेज से प्राप्त होती है उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस प्रकार से इट इज वेरी मच सिमिलर टू योर प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर, लेकिन प्लाज्मिक क्लोनिंग वेक्टर की विभिन्न बेसिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के अतिरिक्त इसमें फेज मिड के कॉस साइट भी होती हैं। दो कॉस साइट यहाँ उपस्थित हैं जिनकी सहायता से यह जो डीएनए मॉलिक्यूल है या यह जो वाहक है इसको हम ट्रांसडक्शन द्वारा अथवा ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यदि हमारा डीएनए का साइज जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज बड़ा हो जाता है तो
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज कॉस्ट साइट्स इसको प्रोटीन कैप्सूल में इनकैप्सुलेट किया जा सकता है ताकि यह ट्रांसडक्शन के द्वारा बैक्टीरियल कोशिका में प्रवेश कर सके। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिड वेक्टर दैट इज फेज मिड, इसमें भी बैक्टीरियल प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का फ्यूजन होता है या उनको हाइब्रिडाइज करके इसको प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं एक फेजमिड का, दैट इज पी ब्लू स्क्रिप्ट सेकेंड फेजमिड का। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दोनों की, बैक्टीरियोफेज की भी दैट इज F1, दिस इज द फेज रेप्लिकेशन पॉइंट, एंड अपना जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है उसकी भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट इसमें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें ये मार्कर रीजन दैट इज लैक जेड उपस्थित है जिसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। इसमें जो डिफरेंट फेज सीक्वेंसेस हैं वो उपस्थित हैं हमारे मल्टीपल क्लोनिंग साइट के सीक्वेंसेस के दोनों तरफ, जिसकी सहायता से यह फेज पार्टिकल के रूप में भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें अपना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस फैक्टर भी है। तो बेसिक फीचर ऑफ फेज मिड इज प्रेजेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर बोथ द बैक्टीरियोफेज एज वेल एज द प्लाज्मिड। तो कॉस्मिड में फेज की कॉस्साइट होती है और फेज मिड में फेज का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट होती है अलोंग विद द जीन्स या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज द बैक्टीरियोफेज पार्टिकल। इन बेसिक क्लोनिंग वाहकों के अतिरिक्त बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, यानी जो किसी बैक्टीरियल कोशिका में रेप्लिकेट कर सके, इस प्रकार के आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड क्लोनिंग वेक्टर या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स अर्थात यूकैरियोटिक यीस्ट की कोशिकाओं में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, इस प्रकार के वेक्टर्स भी प्रयुक्त होते हैं। और एक जो हमने पिछले एक वीडियो में बात करी थी जहां हमने बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की बात करी थी, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में जो उपस्थित TI प्लाज्मिड है उसमें भी वांछित परिवर्तन कर हम उसका उपयोग कर सकते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। और इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ दैट इज क्लोनिंग वेक्टर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द TI प्लाज्मिड, उसके बारे में हम अन्य वीडियो में एक बार बात करेंगे। तो इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का एक आवश्यक तत्व दैट इज क्लोनिंग वेक्टर की हमने इस वीडियो में चर्चा करी। धन्यवाद।